2018 एथिक्स पेपर GS4। इसका पहला क्वेश्चन था, आप डिस्क्रिप्शन के अंदर क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक बार यहाँ रीड आउट कर देता हूँ जिससे देखते वक्त आपको आसानी हो। द क्वेश्चन वॉज, द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज, स्टेट द थ्री बेसिक वैल्यूज यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज एंड ब्रिंग आउट देयर इंपॉर्टेंस। यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन आंसर इन 150 वर्ड्स। क्वेश्चन ये बोलता है कि कोई ऐसी तीन बेसिक वैल्यूज बताइए जो यूनिवर्सल हो नेचर में और सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में, एंड व्हाट आर इज देयर इंपॉर्टेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड, सबसे पहले इसमें एक चीज का हम ध्यान रखते हैं, तीन बेसिक वैल्यूज की बात करिए। तीन बेसिक वैल्यूज कैसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल होनी चाहिए। That means it has to be applied in a similar manner all throughout world, irrespective of the societies you are in. तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग बेसिक वैल्यूज समझेंगे। बेसिक वैल्यूज कौन सी वैल्यूज हो गई, एकदम फंडामेंटल वैल्यूज जो होती हैं, जिनके बिना काम नहीं चल सकता है। और ये वैल्यूज हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या रहेगा, कॉन्टेक्स्ट है हमारा सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसके बिना आप अच्छा काम नहीं कर सकते हैं? तो लेट्स हैव अ लुक। वन यू कैन कॉल इंटीग्रिटी एज वन ऑफ देम। इंटीग्रिटी इज अ वैल्यू विदाउट विच सिविल सर्वेंट्स कैन नॉट वर्क, और इफ दे वर्क दे वुड बी करप्ट। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज वन ऑफ देम। उसके अलावा आपका कंपैशन, एम्पैथी, ये सारी चीजें हैं जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए या सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। आपका नॉन पार्टिजनशिप, टॉलरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए जरूरी है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई आउट ऑफ दीज वैल्यूज विच आर दोज वैल्यूज विच आर बेसिक इन नेचर। तो एक तो आपकी बेसिक वैल्यू हो गई इंटीग्रिटी। बेसिक का मतलब फंडामेंटल, मतलब जो आपसे जुड़ी हुई हो, जिनके बिना काम नहीं चल सकता, इंटीग्रिटी हो गई। दूसरा आपका हो गया कंपैशन किसी के लिए। सिविल सर्वेंट के लिए एक और बेसिक वैल्यूज जो देखी जाए वो डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि पब्लिक सर्विस सिविल सर्वेंट्स के लिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर सिविल सर्वेंट्स पब्लिक सर्विस नहीं कर रहे हैं, देन द होल पर्पस ऑफ सिविल सर्विसेज गेट्स डिफीटेड। द अदर नेम ऑफ सिविल सर्विसेज इज आल्सो पब्लिक सर्विस। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो वैल्यूज को समझा जाए। अब यहां पर हमने दो टेस्ट तो लगा लिए, एक तो ये बेसिक वैल्यूज हैं कि नहीं है, दूसरा सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में है कि नहीं है। अब ये देखते हैं यूनिवर्सल है कि नहीं है। यूनिवर्सल मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, चाहे हिंदुस्तान हो, यूएस हो, यूके हो, वेयरएवर यू गो दीज वैल्यूज आर टू बी अप्लाइड। इट इज टेस्ट इंटीग्रिटी फर्स्ट। इंटीग्रिटी की जरूरत क्या केवल भारतीय प्रशासनिक अधिकारियों को? इंटीग्रिटी की जरूरत क्या यूनाइटेड किंगडम में नहीं होगी? इंटीग्रिटी की जरूरत क्या यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं होगी? बिल्कुल होगी। सो इंटीग्रिटी इज दैट वन ऑफ द वैल्यूज इज नीडेड ऑल थ्रू आउट द वर्ल्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द सोसाइटीज। दूसरी देखिए डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस। डू यू थिंक दैट इन यूएस द पब्लिक सर्वेंट्स कैन वर्क अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट? नो दे कैन नॉट। इन यूनाइटेड किंगडम, व्हाई आई एम टेकिंग दीज एग्जांपल्स, बिकॉज In any nation, be it developed, developing or any kind of nation, these are the fundamental values in civil services, जिसके बिना आप काम चला नहीं सकते सिविल सर्विसेज में। तीसरी हमने देखी कंपैशन या एम्पैथी अगर लेना चाहें, तो अगर मान लीजिए कोई सिविल सर्वेंट है who is not empathetic और who is not compassionate, आपको लगता है लोगों का दर्द समझेगा, खासतौर से डेवलपिंग कंट्रीज में? नहीं समझेगा। ऐसे केस में what we have done is we have tried to see three basic values which are universal in nature and which are in context of civil services. अब देखते हैं इनकी importance, क्योंकि पूरा question क्या है, bring out their importance. तो आप पहले बता सकते हैं कि integrity, let's say dedication to public service, let's say empathy, तीन वो basic values हैं जो civil services के context में ना केवल important हैं बल्कि universal भी हैं nature में। So now you have all those three values. Now they are not talking about the definition of integrity. Remember that they are not talking about the definition or terminology that follows dedication to public service. Try and understand what they are asking is the importance of these values. Integrity ki kya importance hai? Integrity aapko uncompromising banati hai. Matlab if you are an integral officer, let's say if you are an integral IAS officer, then there is very less likelihood or almost none at all कि आप corrupt हो गए। लेकिन वहीं पर अगर आपके value system, अगर आपका पूरा moral fabric intact नहीं है, then it will be very difficult for you to be not corrupt. Dedication to public service. Dedication to public service की importance क्या है? मान लीजिए आप civil services के अंदर चले गए and you are not able to cater to the interest of public. आप अपने ही अपना मतलब देख रहे हैं, अपना अपने परिवार का देख रहे हैं कि किस तरह से आपका फायदा हो सकता है, किस तरीके से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो जो ड्यूटी आपकी है,
जो आपको एक जिम्मेदारी मिली हुई है, जो दारोमदार मिला हुआ है, वो कहीं पीछे छूट जाएगा, पब्लिक को, पब्लिक का इंटरेस्ट सर्व होगा नहीं। अगेन वो कैसे सर्व होगा, जब देयर इज डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इन अ सिविल सर्वेंट लाइक यू। देन एम्पैथी, टू अंडरस्टैंड समथिंग बाय स्टैंडिंग इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन। मान लीजिए आप एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं, आप एक आईएएस हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, एंड आई कम टू यू एंड आई आस्क यू कि आई हैव सच एंड सच प्रॉब्लम। इफ यू आर नॉट एम्पैथेटिक, अगर आप मेरे शूज में खड़े होकर वो चीज नहीं देख सकते हो, तो व्हाट वुड यू फील? कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डेली होती है और वट एवर यू माइट, बट यू विल अंडरमाइन इट, यू विल नॉट सॉल्व इट आउट। तो जब आपको ये पता चलेगा नहीं दिस पर्सन इज इन पेन, तब आप आराम से वो काम करोगे, समझोगे उसका दर्द समझोगे। अब आप समझिए इस चीज को, आजकल के टाइम पे फार्मर्स हो गए, और सारे सेक्शंस हो गए, वल्नरेबल सेक्शंस हो गए, दीज पीपल फेस अ लॉट ऑफ थिंग्स। वहां पर ये सारी वैल्यू सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में ना केवल इंपॉर्टेंट रहती हैं, बल्कि इनके बिना काम नहीं चल सकता। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दैट दे आर यूनिवर्सल इन नेचर। सो दैट्स हाउ यू कैन फ्रेम योर आंसर। द कंटेंट फॉर दिस आंसर इज दिस, आप आराम से लिख सकते हैं दैट द थ्री बेसिक वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सिविल सर्विसेज आर इंटीग्रिटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस एंड एम्पैथी। इंटीग्रिटी इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट मेक्स द स्टैंड ऑफ अ पर्सन हु इज अ सिविल सर्वेंट अनकॉम्प्रोमाइजिंग। डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस इज वन थिंग विदाउट विच द सिविल सर्विसेज इटसेल्फ कैन नॉट डू, and empathy is that thing which helps you understand the pain, the vulnerability, the plight that the people go through or pass through. In that case, all these three are very important and universal in nature, and they are extremely important at the cost of repetition for civil service. Let's move on to the next question.